असल में आगा साहब जाहिद आ रहे हैं 2 महीने के बाद, तो हम चाह रहे थे कि शादी की तारीख तय कर लेते। हाँ, ये खबर तो आपने बहुत अच्छी सुनाई है। चावल से उसका पेट नहीं भरता भाई। हाँ तो सही है, बाजार से तो रोटियां ले आएगा। अब वो बाजार की रोटी खाएगा? अम्मी सभी खाते हैं। नहीं मामू मियां, मैंने नहीं पी सिगरेट। झूठ बोलता है निकट्टू निकम्मे। मामू मियां, आज सुबह ही वार्निंग दी थी मैंने, मना किया था तुझे, है ना? कौन है? दरवाजा खोलो, मैं हूं। बैठ रहे हैं। दानियाल, अपनी मरुआ बहन से उनके मरते वक्त मैंने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारे बेटे को एक कामयाब इंसान बनाऊंगा। देखो बेटा, आज मैं जिंदा हूं, सब कुछ तुम सबके लिए कर रहा हूं, कल को मैं नहीं रहूंगा, क्या करोगे तुम, कैसे पूरा करोगे? ये मेरी 3 बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हें इनके साथ खड़ा होना है, तुम्हें संभालना है इस घर को। ना करे तुम्हें जिंदगी में कभी मुश्किलात का सामना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेहनत करो बेटा, अपने लिए बहुत कुछ बनाओ, कोई तुम्हें और मेरी बेटियों को परेशानी ना हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमका, तुम्हारा, सबका भला चाहता हूं। तुम्हें मेरी बातें मेरी समझ में नहीं आता, क्यों समझ में नहीं आती? आती है मामू जान। चाहती है तो तुम उन पर अमल क्यों नहीं करती? करूंगा, जरूर करूंगा। ये वादा है तुम्हारा? मैं वादा करता हूं मामू जान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। शाबाश, कुछ कहो। अच्छा वैसा करो, नीचे चलो और केक खा लो, अमीरा ने बहुत मजेदार केक बनाया, आ जाओ। अब्बा मिया, ये लीजिए। बेटा सूफिया, बस कर दो, मैंने तुम्हारी जिद मान ली थी, लेकिन ये बात मुझे कुछ बहुत अच्छी नहीं लगती। ये रखो पैसे अपने पास। मैं नहीं रखूंगी अब्बा मिया, और अगर मैं इस घर में रहूंगी तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आप मुझसे मेरा खर्चा और मेरा किराया लेते रहेंगे। चलो ठीक है, बस खुश रहो।
ये लो लीमू पानी लाए मैं ये पी लो। नहीं पिया जाएगा मुझसे, अजीब वॉमिट वॉमिट फील हो रही है। अरे अच्छा मैं तुम्हारे लिए शरबत बना कर लाता हूँ, ठीक है? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मेरा दिल खराब हो रहा है, तुम खाने पीने की बातें किए जा रहे हो। अरे माँ सदके माँ वारी जाए, कब से ये हालत हुई है तुम्हारी? मैं वो डॉक्टर को फोन करता हूँ जरा, सही है? हाँ बेटा। ये क्या कर रही हैं आप? मेरी तबीयत खराब है, आप सदके वारे जा रही हैं? अरे बेटा डॉक्टर तुम्हें जब खुशखबरी सुनाएगा ना तो सारी तकलीफ तुम भूल जाओगी। किस खुशखबरी का इंतजार है आपको? कि वो आपको आके कहे कि मुझे कैंसर है, मैं मरने वाली हूँ? अरे अल्लाह ना करे। अरे बेटा मुझे तो अपने पोते का इंतजार है। नफरत है मुझे बच्चों से, बच्चे की हसर तो आप दिल में लेके इस दुनिया से चली जाएंगे। तौबा है तौबा, तुमसे तो बात करना अजाब है। रहो ऐसी बांझ की बात। और आगा जी ठीक ठाक तो हो? मूड अच्छा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आना तो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था, बहुत मिलने का दिल चाह रहा था तुमसे। अच्छा। लेकिन तुम जानते हो काम की मसरूफियत, मौका नहीं मिल रहा था। आज असल में एक बहुत जरूरी काम पड़ गया था, तुमसे आना पड़ा। अच्छा असल बात ये है। अच्छा तो बताओ काम बताओ। तुम तो जानते हो कि मैं जिस कंपनी में लॉयर हूँ वो बड़ी मशहूर कंपनी है, बहुत बड़े मशहूर बिल्डर्स हैं। तो वो जमालुद्दीन साहब तुम्हारा ये घर खरीदना चाहते हैं, 14 करोड़ की ऑफर दी है उन्होंने। अरे वाह, हम 14 करोड़ के घर में रहते हैं। असल में वो यहाँ पर एक शॉपिंग प्लाजा बनाना चाहते हैं। देखो आगा 1-2 करोड़ में और बढ़वा सकता हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये मेरे अजदाद की निशानी है ये घर, तो इसके तुम अगर मुझे 50 करोड़ भी लाकर दोगे तो मैं ये नहीं बेचूंगा। भाग कर रहे मामू मियां? पागल हो गए अपा मियां, मुझे भी यही लग रहा है। 16 करोड़, 16 करोड़ के अगर 4 हिस्से किए जाएं, तो हर किसी के हिस्से में 4-4 करोड़ आएंगे। 4 करोड़ सोचो, जरा सोचो, हम सबकी जिंदगियां कितनी सेट हो जाएंगे। सबसे पहले ना मैं तो किंजा के नाम पे 1 करोड़ बैंक में रखवा ही दूंगी, बाकी के 3 करोड़ ना एक बड़ी सी जगह लूंगी मैं और एक आलीशान सा पार्लर खोलूंगी। वाह वाह आपा, आपका भाई भी कम होशियार नहीं है। मामू मियां के छोटे से रेस्टोरेंट को ना गिरा के एक 5-स्टार होटल बनाऊंगा, उसका नाम रखूंगा दानी होटल। नहीं सूट नहीं कर, मुझे तो ना पैसों की परवाह है और ना कारोबार की फिक्र, मैं तो शादी के बाद ज़ीशान के साथ वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। हेलो मैडम, जरा ख्वाब से बाहर आ जाओ दोनों, और ये सब तब होगा ना जब मामू मियां इनकार नहीं करते। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अब मियां ये घर ना बेचकर। अब मियां को तो ये घर बेचना ही पड़ेगा। मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि हम इस घंटा घर में करेंगे क्या। ऐसा क्यों ना करें, हम सब मिलके चलते हैं अब मियां के पास, बात करते हैं उनसे, समझाते हैं उन्हें। हम उन्हें समझा कर रहेंगे कि ये घर बेच दे। सही कह रहे, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, अपना घर बेचने की बात कर रहे हो। दिमाग तो तुम्हारा सेट हो जाएगा जब तुम्हें 4 करोड़ मिलेंगे। दानी भाई ना मुझे 4 करोड़ चाहिए ना 8 करोड़, और अब्बा मियां ने इनकार करके सही फैसला किया है। और हमें अपना घर बेचने का सोचना भी नहीं चाहिए। छोड़ो इसे, पागल है ये तो, अब्बा मियां ने कह दिया ना बस, अब इसके लिए पत्थर पे लकीर हो गई। आप लोगों के लिए भी यही होना चाहिए, अब हम यहाँ कभी गलत फैसला नहीं करते। चुप कर जाओ, आज हम अब्बा मियां को मना कर रहेंगे किसी भी हाल में, बस। और सुन लो,
ऐसा ही होगा जैसे हम लोग सोच रहे हैं। तुम चाहे जितनी भी चापलूसी कर लो मामू मियां की। कपड़े तो रखो। अब कहाँ रखेगी? इसे सोचो। 4 करोड़। ये लीजिए पामिया। एक मिनट बेटा, ये सब लोग कहाँ गायब हो गए हैं? घर में बिल्कुल सन्नाटा हो गया है। 16 करोड़ की ऑफर सुनकर सब सन्नाटे में आ गए। ये कागज के टुकड़े मेरे इस घर की कीमत हरगिज नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। मैं वो दानियाल कहाँ है? उठाए कि नहीं अभी तक? अरे उसे मेरे साथ रेस्टोरेंट जाना है, जाकर बुलाओ उसे। इस लड़के को मैं कैसे समझाऊं? इस रेस्टोरेंट पर खासा पैसा लगाया है मैंने, जो बेहतर समझता हूं इस रेस्टोरेंट के लिए करता हूं। किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। शुक्रिया मामू मियां। मैं सिर्फ शुक्रिया कह देने से काम नहीं चलेगा। इस रेस्टोरेंट की मेंटेनेंस का तुम्हें खास ख्याल रखना होगा। आप फिक्र ही ना करें, मैं रख लूंगा इसकी मेंटेनेंस का ख्याल। खासतौर पर किचन के सौदे और खानसामों पर नजर रखनी होगी। जी बेहतर है। अच्छा तो जल्दी से जाओ, जाकर किचन में देखो क्या हाल है, और कोई कमी नजर आए तो जफर से बात कर लेना। जी बेहतर। क्या है ये सब जफर साहब? लड़कों को कोई तौर तरीका ही नहीं पता कि काम कैसे होता है। सर तुम्हारा स्टाफ है वो ज्यादा। सर क्या मतलब है? आपको यहाँ पे मैनेजर रखा किस लिए फिर हमने? मामू मियां कुछ बोलते नहीं है तो इसका मतलब है आपके मर्जी में जो आएगा वो करते जाओगे। सफाई का ख्याल नहीं है, सामान अपनी जगह पे नहीं है। मैं आके करूं ये काम? मामू मियां को बोलूं? सर इंशाल्लाह आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। ये आइंदा लफ्ज ना अपनी जिंदगी से निकाल दो आप। नफरत है मुझे इस लफ्ज से। अब जाएं जरा देखें उनको। यार मैं होता ना बामिया की जगह एक सेकंड नहीं लगाता बेचने के लिए। ये क्या किया बामिया ने? हम लोग भी इसी बात से परेशान हैं। सिर्फ परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बात करनी पड़ेगी तुम लोगों को। सोचा तो यही है। जल्दी करो, कब करोगी बात? आज रात में। अच्छा तो फिर मुझे कॉल करके बता देना। बस तुम दुआ करना कि अब्बा मियां मान जाए। हाँ मैं दुआ भी कर लूंगा और मजार पर देख भी चढ़ा लूंगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम्हारी बहन हैदराबाद से आ गई? अगले महीने आएंगे बोलो, और आते ही हम शादी की तारीख लेने आ जाएंगे। ठीक है। वैसे अगर शादी से पहले ये सौदा हो जाए तो हम इन पैसों से जैसे घूमने चले जाएंगे। ये क्या है ये सब? ये ऐसे रखने की चीजें? इसको रखो जहां रखते हैं इसको। ये गंदा पानी यहां पड़ा हुआ है। सर अभी चेंज है। अभी चेंज क्या करेंगे? जब लोग आएंगे देखेंगे इसको। ये प्लेटें उठाओ, इसको इसकी जगह पे रखिए सर, और डस्टिंग का कपड़ा लाइए।
ये क्या है? ये खुद से नहीं दिखता तुम लोगों को? हम उंगलियां करवाएंगे आके तुम लोगों से? और ये क्या है ये गिरबान? ये बंद करके अब जाओ ये रोती शक्ल यहां से लेकर। जबरदस्त। इस बार लेट हो गई हैं आप, पिछले मंथ आना था आपको। हाँ यार मैं बहुत दूर से आती हूँ ना, तो अपना पार्लर डिफेंस में खोल लो ना, तुम्हें बहुत सारे क्लाइंट्स मिल जाएंगे। सोच तो रही हूँ। मैं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर आऊंगी तुम्हारे पास सर्विसेज के लिए। प्लान तो किया है, जो सोचा है वो हो जाए। बहुत अच्छी बात है। ओके थैंक यू। आइए आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई मैं अंदर आया तो कोई नजर ही नहीं आया सामने। तुझे कैसे पता चल गया कि मैं आ गया हूं? मुझे तो आपकी खुशबू आ जाती है। खुशबू? अच्छा, इसलिए कि मैं वो खालिस इत्र लगाता हूं? इत्र की नहीं, आपके प्यार की खुशबू अब्बा मियां। अस्सलाम वालेकुम अब्बा मियां। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको भी मेरे प्यार की खुशबू आ गई? प्यार की खुशबू का तो मुझे पता नहीं है अब्बा मियां, लेकिन हाँ आपके इस इत्र की खुशबू से मेरा सर जरूर दुखने लगता है। ये लीजिए इस महीने का किराया। तुम सुधरो भी नहीं बच्चों। इस महीने 1000 रुपए ज्यादा डाल दिए मैंने। वो किस खुशी? अब्बा मियां शायद आपको याद नहीं है,
अब किंजा के लिए फ्रॉक लाए थे। बेटा सुफिया, यानी कब तक तुमको ये एहसास रहेगा कि तुम और किंजा मेरे लिए एक बोझ हो? अब्बा मियां, अपना और किंजा का खर्चा दे रही हूँ मैं आपको, फिर क्यों आप पर बोझ समझूंगी मैं? ठीक है, ये रखो। और किंजा क्या कर रही है? नहलाया था उसे अभी मैंने, सो गई है। अच्छा, जब जाग जाए तो मुझे बताना, मेरे पास लेकर आना उसे। टाइम मिला तो ले आऊंगी। अब्बा मियां को समझ आएगा कि क्या मैं अपनी मर्जी से जिंदगी जीने थे? भूल जाओ सिद्रा, तुम्हें याद नहीं है आपा के साथ क्या हुआ था? जब तक मामू मियां जिंदा हैं, अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब रह जाएगा। तुमने देखी नहीं उसकी जबान? गज भर की लंबी जबान है, मेरे मुंह पे मेरे मंडे की बात कर गई। तुम्हें पता तो है, जबान की थोड़ी तेज है वो। आंगन की खुशी।